Hello friends, today we are going to make a super quick ramen stir fry. Ramen you can use in any form and you can make in many ways. Today we are going to make stir fry ramen and we have all our ingredients here. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पर अराउंड 4 कप्स ऑफ वाटर लिया है जो कि मैं उबाल रही हूँ. आप किसी भी तरह की नूडल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट ये रेसिपी बेस्ट रहेगी अगर आप रामेन नूडल्स यूज़ करते हैं. तो मैंने यहाँ पे मेड इन जापान रामेन नूडल्स यूज़ की हैं. आप चाहें तो कोई भी रामेन नूडल ले लीजिए और पैकेट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे बॉयल कर दीजिए. मैंने यहाँ पे अराउंड 3 पोर्शन ऑफ रामेन नूडल लिया है और जो मैंने ये रामेन नूडल ली है ये ऑलरेडी प्री बॉइल्ड होती है, पहले से बॉयल की गई होती है. तो इसे जस्ट 2 मिनट्स तक पानी में उबालना होता है और निकाल लेना होता है. ये ऑलरेडी प्री कुक्ड नूडल्स होती हैं. तो देखिए, आप थोड़ा सा इसे हिला लीजिए और मेरी जो ये नूडल्स हैं ऑलरेडी तैयार हैं. तो मैं इसे अलग से आइस्ड वाटर में निकाल लूँगी ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए. आप कुछ इस तरह अपनी सारी रामेन नूडल्स को बॉईल करके अलग से रख लीजिए. अगर आप पैकेट वाली नूडल्स यूज़ कर रहे हैं, आप पैकेट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसे कुक कर लीजिए. तो जैसे ही हमारी नूडल्स कुक हो जाती हैं, हम उसे रख लेंगे और एक बड़ी कढ़ाई लेंगे, वॉक लेंगे. उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून. हमें रामेन हाई फ्लेम पर बनानी है, फ्लेम हाई ही रखिएगा. 1/2 इंच जिंजर को हमने छोटा छोटा चॉप करके डाला है. साथ ही हम 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स डाल रहे हैं, ये भी हमने लंबा पतला काट के डाल दिया है. अब नेक्स्ट हम शैलॉट्स डालेंगे. 4 to 5 शैलॉट्स को हमने स्लाइस करके डाला है. दिस रामेन नूडल इज गोइंग टू बी सुपर स्पाइसी. आई एम एडिंग अराउंड 2 ग्रीन चिलीज फाइन चॉप्ड. सो लेट्स सॉटे garlic, ginger, green chili and shallots all together for 2 to 3 minutes on high flame. तो चलिए नेक्स्ट हम अपनी सभी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं. अराउंड 1/3 कप ऑफ जूलियंट कैरेट्स डाली हैं, पतली लंबी कटी हुई कैरेट्स डाली हैं. साथ ही हम शिमला मिर्च डालेंगे, बेल पेपर डाली है 2 रंग की अलग अलग, ग्रीन एंड रेड, 1/3 कप. एंड अराउंड 1 कप ऑफ कैबेज. पत्ता गोभी भी हमने पतली लंबी काट के डाल दी है. साथ ही मैं इसमें थोड़े से मशरूम्स ऐड कर रही हूँ. मेरे पास किंग मशरूम था, आप कोई भी तरह के मशरूम्स ऐड कर सकते हैं. तो किंग मशरूम को हम कुछ इस तरह हाथ से ही पतला लंबा काट के डाल देंगे. साथ ही मेरे पास शीता के मशरूम थे, तो मैंने 2 या 3 स्ट्रिंग्स शीता के मशरूम्स की भी इसमें ऐड कर ली हैं. आप चाहें तो अगर आपके पास नॉर्मल बटन मशरूम है तो आप एक ही तरह का मशरूम डाल सकते हैं. आप इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाते रहिए. नूडल्स या रामेन नूडल्स या किसी भी तरह की नूडल्स जो हैं वो हाई फ्लेम पर ही बनती है. जो हमारी सब्जियां हैं वो हाफ कुक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुशी नहीं होनी चाहिए. 2 से 3 मिनट सब्जियों को पकाने के बाद आप देखेंगे काफ़ी क्रंची टेक्सचर की सब्जियाँ तैयार हो जाती हैं. अब इस समय हम अपनी सॉसेस डालते हैं. अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ लाइट सोया सॉस डाली है मैंने, साथ ही अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ राइस विनेगर. अब हम इसमें चिली सॉस डालेंगे अराउंड 1 बिग टेबलस्पून. एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लेमन जूस डाला है, अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस. स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए और थोड़ा सा इस सभी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए हम शुगर डालेंगे अराउंड 1/2 टेबलस्पून. अब हमारे सभी स्पाइसेस इसमें डल चुके हैं. 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर सॉटे कर लीजिए. एंड फाइनली जो हमने कुक करके रामेन रखी हुई थी वो आप इसमें ऐड कर लीजिए. तो हमने अब यहाँ पे रामेन भी ऐड कर ली है. फाइनली थोड़ा सा एशियन फ्लेवर देने के लिए हम इसमें सेसमे ऑयल डाल रहे हैं अराउंड 1 टेबलस्पून. थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे. ये काफ़ी स्पाइसी बनती है तो मैंने इसमें 3 तरह की पेपर्स डाली हैं, चिली सॉस, ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिली. तो देखिए हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं.
इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कुछ इस तरह दो स्पैचुला को ऊपर नीचे रामेन और सारी वेजीज को हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एंड अब हम फाइनली इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने दो चीज़ें यूज़ करी हैं। एक तो हमने मंग बीन्स यूज़ किए हैं हाफ अ कप, दैट इज़ बीन स्प्राउट्स, एंड साथ में स्प्रिंग ऑनियन अराउंड 1/4 कप ऑफ स्प्रिंग ऑनियन। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट कर देती हैं और एक जापनीज़ रामेन बनके तैयार हो जाती है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और गर्मा गर्म इसे परोसिए। नूडल्स आप बहुत से तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप कुछ इस तरह बना के देखिए, टोटली डिफरेंट टेस्ट देगा और आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन फॉर गेटिंग न्यू रेसिपी अलर्ट्स। थैंक यू।